तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त केमिकल प्रॉपर्टी जो फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन का नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका दोस्त रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का दोस्त रिडक्शन कराना है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ताकि रिडक्शन क्या होता है। देखिए तो रिडक्शन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, आपका रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन आपको एल्डिहाइड और कीटोन का कराना है। देखिए तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ कार्बोनिक कंपाउंड कहते हैं। सबसे पहले दोस्त हम एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हो गया मेरा दोस्त कार्बोनिक ग्रुप, और कार्बोनिक ग्रुप के खाली बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन लग गया, ये बन गया आपका एल्डिहाइड, और इस खाली बॉन्ड में लगा दिया मिथाइल ग्रुप। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड के रिडक्शन कराना है, और रिडक्शन कराने वाला एजेंट आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में दोस्त सोडियम बोरोहाइड्राइड हमको दिया गया है। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन ऑब्लिक निकल हो सकता आपका। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड दोस्त एक तरह का कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सर आखिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? देखिए दोस्त एजेंट का मतलब होता है अदर, और रिड्यूस हो गया मतलब देखिए वो खास और खास सबस्टांस जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो इसका काम है रिडक्शन कराना। रिडक्शन कराने का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना, और कैसे हाइड्रोजन को जोड़ना, नेसेंट हाइड्रोजन को। सर ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? तो देखिए दोस्त ताजा ताजे बनाया गया हाइड्रोजन को हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को दोस्त हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं CH3C(OH)। जब मेरा टारगेट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे है, तो देखिए दोस्त हम लोग जानते हैं मेरे पास एक खास ट्रिक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम लोग का एल्डिहाइड बनता है, और अगर एल्डिहाइड का अगर हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल होता है आपका CH2OH। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बन गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर लगा दिए दोस्त मिथाइल ग्रुप। अब देखिए दोस्त दो कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका इथाइल अल्कोहल। और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन दो कार्बन का है, वो रूट वर्ड हो गया ई, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स में ओ लिखते हैं। तो दो कार्बन के अल्कोहल को यूपेक नेम में इथानॉल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त इथानॉल। तो जब एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आपका इथाइल अल्कोहल बनता है। और देखिए दोस्त अगर मिथाइल ग्रुप को हटाकर यहाँ पर अगर बेंजीन का रिंग लगा दें, तो जब बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त बेंजाल्डिहाइड। और बेंजाल्डिहाइड का कराना है हमको रिडक्शन। तो रिडक्शन कराना है दोस्तों एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर लिख दिए 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर लगा दिए दोस्त बेंजीन का रिंग। और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन हो तो उसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। और बेंजाइल ग्रुप में अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इस कंपाउंड का फेमस नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। इसका यूपिक नेम हो जाएगा दोस्त 1-फिनाइल-मिथानॉल। और देखिए दोस्त जब बेंजाल्डिहाइड का वीक
कंट्रीब्यूटिंग एजेंट के साथ रिडक्शन कराते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइल एल्कोहल बनता है। इस तरह दोस्त एल्डिहाइड का रिडक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अब हमको कीटोन का रिडक्शन कराना है। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम कीटोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये मेरा दोस्त कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बोनिल ग्रुप के पास दो तो खाली बॉन्ड है। अगर दोनों खाली बॉन्ड में अल्काइल ग्रुप चाहे एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो वह हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो एक खाली बॉन्ड में दोस्त मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम होते दोस्त एसीटोन, और यूपिक नेम में प्रॉपर नॉन बोलते हैं। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए ऑन एन, और टू पोजीशन पर कीटोन है इसी का यूपिक नेम हो गया प्रोपेन टू ऑन है प्रॉपर नॉन। अब देखिए दोस्त, एसीटोन का हमको कराना है रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने वाला एजेंट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। देखिए दोस्त, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सके, अगर आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं मिले तो आप हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल भी ले सकते हैं। इसका काम भी है दोस्त रिडक्शन कराना, इसका भी काम है हाइड्रोजन को जोड़ना। सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ता नेसेंट हाइड्रोजन को नहीं, इसके पास निकेल के पास पहले से उसके पास खुद से हाइड्रोजन, तो वही हाइड्रोजन को कीटोन में जोड़ेगा। ये मेरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो टारगेट को लॉक कर दिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक हॉट ट्रिक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते थे तो एल्डिहाइड बनता था, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे तो कीटोन बनता था। अगर आपको रिडक्शन पढ़ना है तो अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर कीटोन का रिडक्शन कराते तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो कीटोन का रिडक्शन करने से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और 2 डिग्री अल्कोहल का सिंबल होता है तो CHOH। ये तो बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल को लॉक कर दिए। अब कीटोन के अगल बगल में दो ठो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के अगल बगल खाली बॉन्ड में दो ठो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो देखिए दोस्त, तीन कार्बन है और बीच वाला कार्बन पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इस कंपाउंड को कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो देखिए दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, और दो नंबर पर अल्कोहल लगा हुआ है। इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेन टू ऑन। तो देखिए दोस्त, इसका लैंग्वेज कैसे बोलेंगे। जब एसीटोन का रिडक्शन कराते हैं निकेल ऑब्लिक H2 के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है दोस्त, निकेल ऑब्लिक H2NH3 को बोलते हैं कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। जब कभी भी आपको कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन लिखा हुआ है, तो रिएजेंट के रूप में हमेशा हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल ले सकते हैं। निकेल के जगह पे दोस्त आप प्लेटियम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, योग्य मेरा कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बोनिल ग्रुप के पास दो खाली बॉन्ड है। एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा दी, और दूसरा खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग लगा दी। जब कीटोन के एक खाली बॉन्ड में मिथाइल रे और दूसरा खाली बॉन्ड में फिनाइल रे, इस कंपाउंड को कॉमन नेम में मिथाइल फिनाइल कीटोन बोलते हैं। लेकिन एक इसका फेमस नेम है, फेमस नेम है दोस्त एसीटोफिनोन। इस कंपाउंड का फेमस नाम है आपका एसीटोफिनोन, और हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल है। अगर ये नहीं होता तो इसके बदले में हम लोग ले सकते दोस्त सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका काम भी है रिडक्शन कराना। रिडक्शन का मतलब होता है दोस्त हाइड्रोजन को जोड़ना। ये हाइड्रोजन नहीं, नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ता है।
अभी अभी ताजा ताजी बनाया गया हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। देखिए दोस्त, मेरा फोकस फंक्शनल ग्रुप पे, या फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है, तो हम जानते हैं दोस्त कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और 2 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया आपका दोस्त CHOH, ये बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इस खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लिख दी, और इस खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग है, तो इस खाली बॉन्ड में दोस्त बेंजीन का रिंग लिख दी। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका 2 कार्बन का, तो एक नंबर पर फिनाइल ग्रुप है, लेकिन बेंजीन का रिंग प्रिंसिपल चेन से आपका बाहर चला गया, तो बेंजीन का रिंग बन गया ब्रांच, और ब्रांच के रूप में बेंजीन को हम लोग फिनाइल बोलते हैं, तो एक नंबर पर फिनाइल है, तो यहाँ लिखिए दोस्त 1 फिनाइल। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, तो यहाँ पर लिख दिए ईथ। सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए दोस्त ओल। नंबर अल्फाबेट है, तो दुरहटो का साइन दे दिए, इसी दुरहटो को दोस्त हाइफन बोलते हैं हम लोग। इस कंपाउंड का यूपीक नेम हो गया 1 फिनाइल इथनॉल। तो जब एसिटोफिनोन का रिडक्शन कराते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 फिनाइल इथनॉल बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल HD में एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त कल 2 दिन होते सीने में, 1 दिन टूट भी जाता है इसमें तो तकलीफ ना होती वांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।